हेलो फ्रेंड्स, मैं यशपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव यशपाल सिंह में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन लिया था सेमीकंडक्टर्स का, आज हम उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स एक तरह के सॉलिड मटेरियल्स हैं। सॉलिड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं तीन मटेरियल में, एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। हमने प्रीवियस लेक्चर में इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया था। मैंने मैटर को भी समझाया था कि मैटर कितने प्रकार का हो सकता है, 5 टाइप्स का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। आज हम सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पी टाइप और एन टाइप में कैसे बदला जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आज आपकी सुविधा के लिए और टाइम हमारा बच जाए इसके लिए ऑलरेडी नोट्स लिख रखे हैं बोर्ड पे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड मटेरियल्स को, तो देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो सॉलिड्स जो कंडक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं उन्हें हम कंडक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो इजिली करंट को अपने अंदर से फ्लो कर सकते हैं। यानी वो मटेरियल जो करंट को फ्लो कर सकते हैं वो सॉलिड मटेरियल कंडक्टर या फिर मेटल्स कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल जो करंट को अपने अंदर से जाने ही नहीं देते हैं, जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकती, जैसे रबड़, लकड़ी, ये मटेरियल इंसुलेटर कहलाते हैं। तो फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें जिसको हम ऑर्डर दें कि भाई ये करंट फ्लो कर, तो वो करंट फ्लो करेगा। हम उसको ऑर्डर देंगे कि करंट फ्लो ना कर, तो वो नहीं करेगा। यानी हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएगा। ऐसे मटेरियल के अंदर क्या क्या खूबी हो सकती है इसको हम आज बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी है इससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। कंडक्टर्स की बात करें या मेटल्स की बात करें तो दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी एंड वेरी हाई कंडक्टिविटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या वर्ड है। कंडक्टिविटी मीन्स चालकता, यानी किसी भी मटेरियल के करंट को, उसके अंदर से करंट को कितना वो कंडक्ट कर सकता है, उसकी वो क्षमता कंडक्टिविटी या फिर चालकता कहलाती है। या वो करंट को कितना रोक सकता है उसकी ये प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी वर्ड आप लोगों ने थर्ड चैप्टर अभी मेरे से नहीं पढ़ा है, आप लोगों के लिए नया वर्ड है, तो आप इसके लिए एक नोट यहाँ पर लिख लें कि कंडक्टिविटी यानी जो चालकता होती है वो रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता की रेसिप्रोकल होती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी किसी मटेरियल की यदि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी। कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि उसके अंदर से करंट आसानी से फ्लो कर सकती है। रेजिस्टिविटी बहुत कम होने का मतलब भी यही हो गया कि करंट बहुत आसानी से फ्लो कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें बीच में कोई भी प्रतिरोध या रेजिस्टेंस वहां पर नहीं लगेगा, करंट जो इलेक्ट्रॉन से बहुत इजीली वहां से मूव कर जाएंगे, तो रेसिप्रोकल होती है। तो हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम, क्योंकि कंडक्टर आसानी से करंट फ्लो करता है, तो रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी और कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। यूनिट की बात करें कंडक्टिविटी की, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होती है। आपको याद रखना है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, थर्ड चैप्टर में आपके ये आएगा बहुत अच्छे तरीके से, RBSC के चैप्टर नंबर 5 में ये आता है और CBSE के थर्ड नंबर चैप्टर में ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हम डिस्कस करते हैं। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स को महो इंटू मीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ओम इनवर्स उल्टा है इसको महो, ओम का उल्टा महो, महो भी आप लिख सकते हैं, और महो नहीं लिखना चाहिए तो एस यानी साइमन इंटू मीटर इनवर्स भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसकी यूनिट? कंडक्टिविटी। तो फिर रेजिस्टिविटी की क्या होगी थी इसके उल्टा, तो ओम इनवर्स है तो ओम बन जाएगा, मीटर इनवर्स है तो मीटर, तो ओम इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। इज दैट क्लियर? तीन नोट आप डाउन राइट डाउन करें, उसके बाद यहां आ जाए कि कंडक्टर तेरी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है बहुत लो है, तो बहुत लो कितनी है? 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर टू 10⁻²⁰ ओम इंटू मीटर, ये आप लिख ले। थर्ड चैप्टर में आप इसको जब मैं बताऊंगा तो इसको अच्छे से हम मेमोराइज भी कर लेंगे, फिलहाल आप जस्ट नोट डाउन करके यहाँ पे ये कंपेरिजन करें कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू के आधार पे क्या डिफरेंस है,
तो यहाँ पर वैल्यू को बस कंपेयर करें कि किसकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की कितनी आ रही है, इसकी कितनी आ रही है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये कौन कम है कौन ज़्यादा है, इस तरीके से आप इन तीनों को कंपेयर करना है यहाँ पे सीखेंगे। तो रेजिस्टिविटी बहुत कम है, 10^-8 ओम इंटू मीटर टू 10^-2 ओम इंटू मीटर है किसकी, कंडक्टर की, और कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, वेरी हाई। तो 10^2 यहाँ माइनस की जगह प्लस लगा दे, 10^2 यूनिट क्या है कंडक्टिविटी की, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स इंटू 10^+8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, वैल्यू आप याद रखें, इनकी यूनिट आप याद रखें, याद बस एक कल्ले में इन दोनों में से, यदि आपको कंडक्टिविटी याद है तो माइनस लग जाएगा, और माइनस वाली आपने रेजिस्टिविटी याद करी तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप करें, माइनस एट जो वैल्यू है वो कम होती है, 10^-2 यहाँ पर ज़्यादा होगी वैल्यू में, इसलिए इसको बाद में लिखा है। आप ऐसा ना समझे जैसे यहाँ तक 2 पहले और 10^8 बाद में लिखा है, लेकिन माइनस में यही चीज़, जिसकी ज़्यादा पावर है माइनस में उतना ही कम होता है, तो इसलिए ये कम है तो कम से ज़्यादा इस तरीके से हमने लिख रखा है। इंसुलेटर्स इसकी जस्ट उल्टा है कंडक्टर का, यानी जिसकी रेजिस्टिविटी अब यहाँ पे कैसी होगी, हाई होगी, और कंडक्टिविटी क्या होगी, वेरी लो। तो रेजिस्टिविटी कितनी हो सकती है, तो रो इज इक्वल टू 10^11 ओम इंटू मीटर टू 10^19 ओम इंटू मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, तो करंट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती फ्लो। तो हम जानते हैं ऐसे इंसुलेटर्स के बारे में, ऐसे एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, जैसे रबर्ड वुड, जो आपकी वैक्स होती है, पेपर होता है, या फिर हम बात करें सूखी मिट्टी, ये सब किसके एग्जांपल है, माइका, ये सब इंसुलेटर्स कहलाते हैं, इनमें से करंट फ्लो कभी भी नहीं हो सकती। जबकि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर्स में मेटल्स जितनी भी होगी सारी की सारी कैसी है, कंडक्टर्स। मरकरी भी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो भी एक कंडक्टर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी खुद एक कंडक्टर है, अर्थ खुद एक कंडक्टर है। इसके अलावा हम बात करें कि जितने भी सॉलिड्स, जैसे जितने भी मतलब एसिड्स हैं, जितने भी बेस हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी कंडक्टर्स ही कहलाते हैं। इम्प्योर वाटर, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, वो वाटर खुद एक कंडक्टर है। लेकिन डिस्टिल वाटर, आसुत जल, हिंदी में आसुत जल कहते हैं, डिस्टिल वाटर जो लेबोरेटरी में काम आता है, वो इंसुलेटर होता है। याद रखना, डिस्टिल वाटर कभी भी कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी रो एंड कंडक्टिविटी सिग्मा, रिप्रेजेंटेशन है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिख रहे हैं, रेजिस्टिविटी को रो से लिख रहे हैं, ये इन दोनों की वैल्यू मेटल्स और इंसुलेटर्स की जो वैल्यू है उनके बीच में हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी 10^-5 ओम इंटू मीटर 10^6 ओम इंटू मीटर है। तो हम बात करें कंडक्टर की, तो देखो इसकी कंडक्ट रेजिस्टिविटी कितनी थी, ये -8 to -2 थी, इसकी -5 to +6 है। इसका मतलब इससे थोड़ी सी ज़्यादा है रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की तो बहुत कम थी, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। इधर देखिए कंडक्टिविटी की बात करें तो 10^2 to 10^8 थी, यहाँ कंडक्टिविटी -6 to -5 है। इसका मतलब 10^8 से तो कम ही है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है और जो इंसुलेटर्स हैं उनसे ज़्यादा होती है, तो बीच में होती है, तो इसलिए इसका नाम सेमी, सेमी मतलब हाफ, तो हाफ कंडक्टर है। मतलब ये कंडक्टर की तरह बिहेव भी कर सकता है और सर्टेन कंडीशंस में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव भी कर सकता है। रूम टेम्परेचर पे कोई भी सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, बट वेरी लो टेम्परेचर पे ये एज ए इंसुलेटर भी बिहेव कर सकता है। ये आपको याद रखना है, ये एक नोट है, आप नोट डाल के लिख लें मैं, कि एट रूम टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर, बट एट वेरी लो टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर दोनों की तरह ही बिहेव कर सकता है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, सेमीकंडक्टर। और ये मटेरियल इतनी ही खूबियां नहीं रखता है, इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी खूबियां हैं। जैसे कंडक्टर में तो करंट फ्लो होगी होगी, इंसुलेटर में फ्लो नहीं होगी, इसमें फ्लो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम उसे जैसा ऑर्डर देंगे वो वैसा काम करता है। अब वो हम ऑर्डर कैसे देंगे, तो वो उसके लिए हमें इस मटेरियल को बहुत डिटेल से पढ़ के समझना होगा कि किस प्रकार से सेमीकंडक्टर मटेरियल अलग अलग तरीके का होता है, और उनसे कौन कौन से सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस हम बनाते हैं और उनका वर्किंग प्रोसेस क्या है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, उसका वर्किंग प्रोसेस अपन को समझ में जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो हमें पता पड़ेगा कि हाँ कि एक टाइम में तो उसमें करंट फ्लो हो सकती है और एक टाइम में करंट फ्लो नहीं हो रही है।
हम जिस टाइम में करंट फ्लो हो रही है उसको फॉरवर्ड बाइस कहेंगे, जिसमें फ्लो नहीं हो रही है उसको रिवर्स बाइस कहेंगे वहां पे। तो हम इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसको हम अलग अलग तरीके से कंट्रोल्ड वहां पर कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेमीकंडक्टर। और इन्हीं जो खासियत है, इन्हीं जो कैरेक्टरिस्टिक के कारण सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का निर्माण हुआ, जिससे जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उन सबके आकार छोटे छोटे पॉसिबल माइक्रो साइज में बनना पॉसिबल हो पाया। इस तरीके से हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये आपके सामने कुछ क्लासिफिकेशन था सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे कि यदि हम सेमीकंडक्टर को अब अपन पढ़ना तो सेमीकंडक्टर ही है, तो हम सॉलिड और इंसुलेटर, जो सॉलिड में जो कंडक्टर और इंसुलेटर है इसको तो हम साइड में कर देते हैं, और अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके, सेमीकंडक्टर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आपको जस्ट रिकैप कराता हूँ, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर जो बनाया उसके बाद दो चार दिन हो चुके हैं, मैंने कोई नया वीडियो नहीं डाला, किसी कारणवश मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे से अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहें, ताकि आपका जो स्टडी टाइम है उसमें आपको मटेरियल मिलेगा, तो आप रुकेंगे नहीं तो आप डिस्टर्बेंस आपको होगा, तो रुके नहीं, करते रहें। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ तब भी आप अपने पास बुक्स रखें, बुक्स आप पढ़ें, आप अपने पास अच्छी अच्छी रेफरेंस रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रदीप ला सकते हैं, आप एसएल अरोड़ा से पढ़ सकते हैं, आप ओसवाल की बुक ला सकते हैं, आप चाहे तो जो आपके स्कैनर रचना सागर पब्लिकेशन की बुक आती है स्कैनर, वो भी ला के रख सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं, आप कोई भी चैप्टर को ख़त्म करके वो पेपर्स को कर सकते हैं, प्रीवियस टेन ईयर्स के क्वेश्चन आप उसको यदि कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है आप गैस कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। जैसे मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं मैंने उनको गाइड कर रखा है कि कोई भी लेक्चर आपका कोई भी चैप्टर जब फिनिश हो जाता है तो उस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं पिछले 10 साल के वो क्वेश्चन आपको करने हैं, यदि आप वो 10 साल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को कर लें। आरबीएससी के बच्चे भी वो कर सकते हैं, आरबीएससी के जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर है वो आप बुक ले आए उसकी और उससे आप प्रैक्टिस करें, चैप्टर फिनिश हुआ 10 साल के पेपर कर लो आप, 10 साल के उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए वो कर लीजिए आप। आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, आप एसपी की एक बुक आती है एसपी पब्लिकेशन की, उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको, तो आप ला के उनकी प्रैक्टिस करें। आरबीएससी के बच्चे सीबीएसई के पेपर्स को भी देखें ताकि उन्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उनका बढ़ जाए, जिससे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आरबीएससी में थोड़ा सा कंपेरेटिवली थ्योरी पार्ट ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल कम आता है, जबकि सीबीएसई में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है थ्योरी कम आता है, तो एक बैलेंस स्टडी करें दोनों तरह के बच्चे सीबीएसई आरबीएससी वाले, तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं फिजिक्स में, और इंटरेस्ट लेके करें। फर्स्ट ऑफ थिंग सबसे बढ़िया जो चीज़ है कि इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, नहीं इंटरेस्ट नहीं होगा तो मज़ा आपको नहीं आएगा। रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, कोई भी डेरिवेशन कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन टफ नहीं होता है, सब आसान होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं उन्हें, यदि आपको अंदर आपको उसको करने की इच्छा हो तो इच्छा उत्पन्न करें, जिज्ञासु बने। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस थे उनका मेरे को क्लासिफिकेशन आप मैंने करवाया था कि भाई हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और एलिमेंटल तीन प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते थे। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के तो मैंने नाम लिख दिए थे, एलिमेंटल में सिलिकन और जर्मेनियम मैंने दो नाम बताए थे, एलिमेंट फॉर्म में तो दो ही सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, एक तो सिलिकन और जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर भी कहलाते हैं, नेचर में प्योर फॉर्म में ये पाए जाते हैं। दूसरा हमने कंपाउंड पढ़ा था, कंपाउंड में हमने ऑर्गेनिक पढ़ा था, कंपाउंड में हमने इनऑर्गेनिक पढ़ा था, एक अपन ने ऑर्गेनिक पॉलीमर पढ़ा था, एक हमारा उस समय छूट गया था, ध्यान नहीं रहा था। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी पढ़ना होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर अलग है ऑर्गेनिक अलग है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, इनऑर्गेनिक में आपने सीडी केडियम सल्फाइड केडमियम सेलेनाइड गैलियम आर्सेनाइड इंडियम फॉस्फाइड एटीसी इस तरीके के कुछ देखे थे। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो एंथ्रासीन जो फर्स्ट है आपका वो है एंथ्रासीन, इस
तरीके से आप देखें, मैं इसकी स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, एंथ्रासीन की स्पेलिंग क्या है, ताकि कोई गलती हमसे ना हो जाए, स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी सही है एकदम स्पेलिंग, एंथ्रासीन, इसको हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे आप, हिंदी में भी एंथ्रासीन ही कहते हैं इसको। इसी तरीके से थैलोसाइनेसिस, पी यहाँ पर साइलेंट आएगा, थैलो शानिस, इस तरीके से ये स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग को याद कर लें। और हिंदी में इसको बोलते हैं थैलो शानिस, इस तरीके से। अब इन दो सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर को आप याद कर सकते हैं, एंथ्रासीन, और ये मैंने नहीं लिखाया था। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर कौन से होंगे, तो ये मैंने पॉलीपाइरोल, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफिन, इस तरीके से तीन लिखवाए थे आप लोग, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफिन। आप इसको देखें, इस तरीके से हमने कुछ उनकी जो एलिमेंटल जो कंडीशंस है, या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तरीके से हम कितने अलग अलग तरीके के सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। आपसे पूछ लेता है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में कि बताइए ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स को छाटिए, आपको 7-8 एग्जांपल दे देंगे और आपको पूछेंगे कि किसमें से कौन सा इनऑर्गेनिक है, कौन सा ऑर्गेनिक है, और कौन सा ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको जस्ट अपने एक जनरल नॉलेज के तरीके से देख लें। इसके बाद नेचर में उपलब्धता के आधार पर हमने अब क्लासिफिकेशन, पहले हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी इन नेचर में कितनी है, उसके आधार पर हम उसको किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर फिर हमने किया, अब हमने किसी और बेसिस पे किया, अवेलेबिलिटी के आधार पर किया या इम्प्योरिटी और प्योरिटी के आधार पर करें, तो हमने दो प्रकार के बताए थे। एक था इंट्रिंसिक, ये आपको ज़्यादा, आप किसी भी बुक में जाके इनकी जो कंपेयर, इनकी जो टेबल है जिनमें इनको कंपेयर कर रखा है, वो टेबल आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। और आप यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद इसमें मैं जो कंपेरिजन करने जा रहा हूँ, इनमें जो डिफरेंस है वो बताने जा रहा हूँ, आपको वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपको लर्न भी हो जाएंगे। लेकिन आपको लर्न ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो आगे वाला जो टॉपिक है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो हमें लर्न करना है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो प्रकार के मैंने सेमीकंडक्टर आपको बताने की कोशिश की थी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक एक नाम और लिखा था, एक तो था प्योर और एक था इम्प्योर, इम्प्योर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम देख रहे थे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मैंने दूसरा नाम बताया था प्योर, यानी नेचर में पाए जाने वाले ऐसे सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जिनको हिंदी में नेज अर्धचालक भी कहा जाता है, नेज अर्धचालक, जो एकदम प्योर होते हैं नेचर। जिससे एग्जाम्पल दे दें, सिलिकन एंड जर्मेनियम, इज इट क्लियर? सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसका जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है। इसकी जो वैलेंसी होती है, यदि मैं बात करूं वैलेंसी की, ये तो मैंने लिखा आपको एटॉमिक नंबर, वैलेंसी प्लस 4 होती है, ये भी प्लस 4 होती है, इसका मतलब ये दोनों टेट्रावेलेंट होते हैं। क्या होता है? टेट्रावेलेंट, यानी जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, नेज अर्धचालक है, वो टेट्रावेलेंट होंगे, जिनकी वैलेंसी प्लस 4 होगी। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी। और कितने प्योर हो सकते हैं? तो 10^10 एटम्स में एक इम्प्योरिटी, मतलब कोई एक इम्प्योरिटी का एटम डलेगा किसमें, 10^10 एटम, मतलब 10 अरब एटम्स में एक इम्प्योर एटम इसमें मिक्स होगा, इतने ज़्यादा प्योर ये होते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे, आपको याद करना है, वो कौन कौन हो सकते हैं? तो चार्ज कैरियर्स यहाँ पर दो होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स एंड एक होल। अभी इलेक्ट्रॉन्स और होल, इलेक्ट्रॉन्स तो हमने सुना है, जैसे कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसके कारण होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण।
भाई कोई भी कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का चार्ज है वहाँ पे, और चार्ज कैरियर है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है वहाँ पे, चार्ज को कैरी कर रहा है, चार्ज कैरियर का काम कर रहा है, जिसके कारण वहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। अब ये होल क्या चीज़ है, इसको भी हम सीखेंगे वैलेंस बॉन्ड मॉडल से। वैलेंस बॉन्ड मॉडल में मैं आपको बताऊंगा कि ये होल कैसे बनता है, तो अभी देखते हैं इसको। फिलहाल आप याद करें कि चार्ज कैरियर इसमें दोनों ही प्रकार के होते हैं। तीसरी बात तो नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी यदि बात करें कि भाई कौन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या होल ज़्यादा होंगे, तो नंबर डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी में स्मॉल एन का मतलब नंबर डेंसिटी है, वो बराबर होती है किसके, होल के नंबर, यानी जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होंगे उतने के उतने ही होल भी वहाँ पर होंगे, यानी जितने चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के होंगे उतने ही चार्ज कैरियर होल के भी वहाँ होंगे, तो दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, इसके अलावा यदि हम इस दोनों को एक नए नोटेशन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें ni, तो मैं कह सकता हूँ ni तो क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, nh क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, और ni यहाँ पर क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, क्योंकि ये दोनों ही किसके अंदर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है, और दोनों किसको बता रहा है, नंबर डेंसिटी यानी संख्या घनत्व को। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, संख्या घनत्व, किस किस का, चार्ज कैरियर का। तो मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज कैरियर है उसका संख्या घनत्व कितना है, एन ई है, नंबर डेंसिटी, और होल का संख्या घनत्व या होल की नंबर डेंसिटी एन एच है। तो ये दोनों है क्या, ये नंबर डेंसिटी है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की, तो मैं यहाँ पे इन सबको बोल सकता हूँ, तो एन आई में लिख लेता हूँ, ये दोनों आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, एन ई लिख सकते हैं, एन ई क्या चीज़ है आप लिख लीजिए, एन ई क्या चीज़ है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, और एन आई यहाँ पर क्या होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है, तो हम एनी एनएच अलग अलग नहीं करके, ये दोनों इक्वली तो है, एक नहीं हमने यहाँ पे मान लिया कि ये एनआई के बराबर होते हैं, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर ये हमने यहाँ पे सीखा। ये लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ा था, वो इंट्रोडक्शन था, अब हम डिटेल से पढ़ रहे हैं उसको, इसलिए दोबारा ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखो, वन तो आप यहाँ पर प्योर डेफिनेशन लिख दें, प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरी चीज एग्जाम्पल लिख दें, तीसरी टेट्रावेलेंट होता है, चौथी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल होते हैं, पांचवी चीज नंबर डेंसिटी इक्वल होती है, और एन आई यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, पांचवी चीज इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, क्योंकि ये नेचर में प्योरली पाए जा रहे हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की क्षमता चालकता इनकी वो बहुत ही लो होती है, तो लो कंडक्टिविटी इनकी पाई जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको ध्यान पड़ रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। अब मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एंड होल दो तरह के होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं किसके माध्यम से, वैलेंस बॉन्ड मॉडल से। वैलेंस बॉन्ड मॉडल मैं यहाँ पर बना के आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर दो चार्ज कैरियर कैसे हैं, फिर एक्सट्रिंसिक को हम डिस्कस कर लेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल यदि हम यहाँ पर देखें तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक सेकंड मैं इसको चेक कर लूँ इसका नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड मॉडल ही है, हाँ बिल्कुल। तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल में क्या होता है कि जितने भी सेमीकंडक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेमीकंडक्टर यहाँ पर सिलिकॉन ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिलिकॉन के यहाँ पर कुछ एटम्स ले लिए, ये क्रिस्टल है सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर मटेरियल का, जिसमें सिलिकॉन ही सिलिकॉन के एटम, और ये सिलिकॉन के एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कौन से बॉन्ड के माध्यम से, कोवेलेंट, जिसको हिंदी में हम सहसंयोजक बंध भी कहते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अर्धचालक डिवाइस मटेरियल है, तो ये सहसंयोजक बंध की द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन के एटम होंगे ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इस तरह के ये बंध बन रहे हैं इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर और भी बहुत सारे सिलिकॉन के हैं जो आप समझ सकते हैं, ये सिलिकॉन है, पूरा एक क्रिस्टल है, इधर और जाएगा, इधर इससे और जाएगा, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इधर और सिलिकॉन है कोई आइटम, इससे इस तरीके से, इससे इस तरीके से, यहाँ पे सिलिकॉन और ले लो, ये इससे, फिर ये इससे, आगे और आगे और आगे और इस तरीके से ये चलता जाएगा ऊपर। और हर एक सिलिकॉन के अंदर जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी चार है, टेट्रावेलेंट है, इसका मतलब इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बाह्यतम कोश है, उसमें चार इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे।
तो ये सिलिकॉन का एटम ये वाला क्या करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इसको देता है, ये वाला एक इसको देता है, एक इसको देता है, एक इसको देता है और एक इसको देता है, इसके चार दे दिए इसने। अब इसका बॉन्ड बनाने के लिए एक एक और चाहिए, तो एक एक उससे मिल जाता है, एक इसने दे दिया, इसको एक इसने दे दिया, इसको एक इसने दे दिया, इसको एक उसने दे दिया, तो ये चार इस तरीके से दो दो बॉन्ड के कारण यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दो दो एक इलेक्ट्रॉन इसका है तो एक उसका, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़े रहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का हमने एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल यहाँ पे लिया है। अब जैसे ही हम इनको थोड़ी सी भी हीट एनर्जी देते हैं, यानी टेम्परेचर रेज करते हैं, हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने के कारण क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों की जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बाहर वाले ऑर्बिट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहा हूँ मैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, किससे, आपने टेम्परेचर दिया तो वो टेम्परेचर में जो हीट एनर्जी है उससे उन इलेक्ट्रॉनों की, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की कुछ एनर्जी बढ़ने लगती है, जिससे वो क्या करता है वहीं पे वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है और थर्मली जनरेट थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण वो अपनी इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया यहाँ, तो जैसे ही वो बाहर निकला तो यहाँ पर क्या होता है, एक खाली जगह उत्पन्न हो जाती है, खाली जगह, बिल्कुल एकदम खाली, एक वैकेंसी कह सकता हूँ मैं, इंग्लिश में बोलूँगा तो वैकेंसी और हिंदी में बोलूँ तो एक क्वार्टर बन जाता है, क्वार्टर मतलब एक होल, खाली जगह उत्पन्न, एक रिक्त स्थान यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। यह रिक्त स्थान जो है ये किस कारण से उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने जो हीट एनर्जी दी, जैसे थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी लेके यहाँ से बाहर निकल गया, वैलेंस इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के ये बाहर निकल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक खाली जगह उत्पन्न हुई, तो इस खाली जगह में जितना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन में था उतना का उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर उत्पन्न हो जाता है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन पर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना का उतना उत्पन्न हो जाता है। साथ ही ये कोई अलग से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बस एक जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके रह सकता है, इलेक्ट्रॉन का घर है एक तरह का ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन के इस घर में चार्ज है, कितना है, पॉजिटिव चार्ज, और कितना, इलेक्ट्रॉन के जस्ट इक्वल है लेकिन पॉजिटिव है। और मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास और इसका मास लगभग सेम ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये जो वैकेंसी है इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होता है, तो ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन से कंफ्यूज ना हो गए आप, ये एक सिंपल कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, एक खाली जगह है बस। तो होल इसी को ही कहते हैं हम, होल आपके लिए जो आ रहा है कि होल कैसे बना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, आप और एनर्जी दो कुछ और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पर बन गया, यानी जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने की उतनी खाली जगह वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, यानी उतने के उतने होल वहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। तो अब इन होल्स के कारण क्या होगा, ये दूसरे जो इलेक्ट्रॉन से हो सकता है यहाँ से निकल के इस पर आ जाए और फिर यहाँ पर होल बना दे, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होने वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो हो ही रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, साथ ही होल्स के कारण भी हो रहा है। तो यहाँ पर दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो आपको समझना है होल क्या चीज है, होल जस्ट वैकेंसी और जैसे मैं कह सकता हूँ कि वैकेंट प्लेस फॉर इलेक्ट्रॉन, एक खाली जगह है, वैकेंसी है और एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन में, तो इस तरीके से हम होल को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये था वैलेंस बॉन्ड मॉडल, जिससे हमने सीखा कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल दो प्रकार के होते हैं, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। बात क्लियर है, सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल इक्वल की होती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही तो होल उत्पन्न होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने होल उसमें है, इसलिए सेमीकंडक्टर जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें दोनों इक्वल होते हैं भाई, ये चीज़ ध्यान रखें। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, अब इसको आप बहुत आराम से समझने की कोशिश करें, आज आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, लास्ट लेक्चर में तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया था तो इसलिए थोड़ा सा रिपीट करना है, बहुत ज़रूरी हो रहा था। अब आप देखिए, थोड़ी सी मैं मिटा देता हूँ कुछ चीज़ें, मैं रहने देता हूँ कंपैरिजन के लिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन के अंदर मतलब इस तरीके से लिखे कि यदि प्योर सेमीकंडक्टर कौन कौन से है हमारे पास, सिलिकॉन है एक तो, एंड जर्मेनियम है हमारे पास, या मैं कह दूँ कि टेट्रावेलेंट है, कैसे हैं, टेट्रावेलेंट है, जिनकी प्लस फोर वैलेंसी होती है,
ऐसे सेमीकंडक्टर में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी, इम्प्योरिटी क्या कर दी हमने, ऐड करी, इम्प्योरिटी ऐड की है, और इम्प्योरिटी किसकी, ऐसे एटम्स की जिनकी वैलेंसी इससे डिफर हो, ऐसे एटम्स की वैलेंसी, ऐसे एटम्स की जिनकी वैलेंसी टेट्रावेलेंट नहीं हो, जैसे जिस कोई ऐसा आइटम जिसकी वैलेंसी प्लस थ्री हो, या ऐसा आइटम जिसकी वैलेंसी कितनी हो, प्लस फाइव हो, तो प्लस थ्री वाला जो आइटम होगा जिसकी वैलेंसी टेट्रावेलेंट नहीं है, फोर नहीं है, ऐसा तो वो कहलाएगा ट्राईवेलेंट, और ऐसा आइटम जिसकी वैलेंसी प्लस फाइव है, प्लस फोर नहीं है, तो वो कहलाएगा पेंटावेलेंट। तो हमने क्या किया, ट्राईवेलेंट आइटम या पेंटावेलेंट आइटम की इम्प्योरिटी को एड किया किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। कितना ऐड किया वो भी समझ, 10^6 एटम्स प्योर के और एक एटम इम्प्योर का, यानी बात करें 10^6 सिलिकन के एटम, तो प्लस एक एटम किसका, या तो ट्राइवेलेंट का या फिर पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट का एग्जांपल मैं जैसे बोरोन यहां पर ले लेता हूं, एक एटम बोरोन, अभी आप बता दूंगा मैं ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट क्या चीज। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इफ यू एड सम इम्प्योरिटी, सम सर्टेन इम्प्योरिटी एटम्स टू अ प्योर सेमीकंडक्टर एटम, बोथ आर डिफरेंट वैलेंसी, देन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि अब आपने इसको क्या कर दिया, इम्प्योर कर दिया। प्योर सेमीकंडक्टर्स में आपने इम्प्योर एटम्स डाल दिए, कितने, 10^6 एटम में एक एटम की हिसाब से। तो हमने जो हमारी जो इम्प्योरिटी मिक्स करने का जो रेशियो है वो है कि हर 10^6 एटम प्योर एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर में एक एटम इम्प्योरिटी हम यहाँ पे मिक्स करना चाह रहे हैं, जिससे हमें एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिल रहा है जिसका नाम हमने एक्सट्रिंसिक या फिर अपद्रवी, अपद्रवी अर्धचालक रखा है, अपद्रवी अर्धचालक रखा, हिंदी में इसको अपद्रवी अर्धचालक भी कहते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी जब इंट्रिंसिक ही था। तो मैंने रीजन बताया आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है, तो इसकी लो कंडक्टिविटी को हाई करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए हमें इसमें इम्प्योरिटी एड करनी पड़ती, और इम्प्योरिटी एड हम टेट्रावेलेंट में टेट्रावेलेंट नहीं जोड़ सकते, हमें इम्प्योरिटी या तो उससे एक वैलेंसी ज़्यादा या एक वैलेंसी कम की एड करनी पड़ती है, जिससे कि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या कुछ एक्स्ट्रा होल उत्पन्न हो सके, और जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा होल उस मटेरियल में उत्पन्न होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इंक्रीज कर सकते हैं कंडक्टिविटी किसकी, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर कंडक्टर था उसकी, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट, हाउ वी इंक्रीज इट, बाई एडिंग सम डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स इंटू द प्योर सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इज दैट क्लियर। तो डिफाइन आप लिख लें, मैं इसकी डिफाइन हालांकि मैं लास्ट लेक्चर में लिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डिफाइन कोई नहीं पूछने वाला, एक्सट्रिंसिक क्या है, इंट्रिंसिक क्या है, ये नहीं पूछेगा, आपको तो पता होना चाहिए होते क्या है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो एक वर्ड हमारे पास साथ सामने आ जाता है कि डोपिंग क्या चीज़ है, नोट डाल ले, डोपिंग, डोपिंग को हम बोलते हैं मादित, हिंदी में बोलते हैं मादित करना, चलो हिंदी में मुझे अभी याद नहीं आ रहा, डोपिंग वर्ड है। डोपिंग क्या चीज़ है, तो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में किसी पर्टिकुलर टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड करना ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डोपिंग कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट डिजायरेबल एडिशन ऑफ Impurity atoms having valency different from the
प्योर सेमीकंडक्टर्स एज टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डॉपिंग। जिस इंप्योरिटी एटम्स की आप एडिशन कर रहे हैं वो यहाँ पे डोपेंट्स कहलाएंगे। तो डोपेंट्स क्या हो सकते हैं? वो इंप्योरिटी एटम जो कि आप प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करने वाले वो डोपेंट्स कहलाएंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा? वो प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें आपने डोपिंग की है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो डोपेंट यहाँ पे कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के देखे हमने, एक तो ट्राइवेलेंट डोपेंट्स, एक क्या हो गया पेंटावेलेंट डोपेंट्स, पहला पेंटावेलेंट डोपेंट्स। दो प्रकार के हमने यहाँ पर देखे डोपेंट्स, एक तो ट्राइवेलेंट और एक पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट आपके थर्ड ग्रुप के एटम्स हैं, जैसे कि जिनकी वैलेंसी प्लस तीन होती है। आप देख लीजिए, ट्राइवेलेंट का मतलब प्लस तीन और पेंटावेलेंट का मतलब प्लस फाइव। तो ऐसे का आप याद कर ले, बैंगन, आलू, गाजर, इन एटसेट्रा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये चार आपके ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैं या फिर ट्राइवेलेंट डोपेंट्स। इनकी आप एडिंग करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, किसकी? ट्राइवेलेंट की, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम की। पेंटावेलेंट की बात करूँ तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा। तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिफ्थ ग्रुप है आपका, तो इस तरीके से आप इन दोनों डोपेंट्स को याद करें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। अब कुछ बातें और करते हैं इसमें। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जिस प्रकार आपने देखा कि इंट्रिंसिक में तो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल और नंबर, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है उनकी नंबर डेंसिटी, ये इक्वल होती है, दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक में या तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, किससे? होल से, या फिर होल बहुत ज़्यादा होंगे, किससे? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये सेम नहीं होती, और सेम नहीं होना का कारण ही जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा हाई या बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और बात करें कि चार्ज कैरियर कौन होंगे, तो चार्ज कैरियर यहाँ पर अब दो भागों में बढ़ जाते हैं। चार्ज कैरियर है तो दोनों ही, देखो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही हैं, देखो दोनों ही हैं, इसकी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बट ये भी तो है ना। तो अब यहाँ पे चार्ज कैरियर दो भाग में बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल दोनों है। एक होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजोरिटी कौन कहलाएगा? जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। यदि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर डेंसिटी ऑफ होल से, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, और होल से ज़्यादा है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उस समय क्या कहलाएंगे? होल कहलाएंगे। इस तरीके से आपका ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इज दैट क्लियर? अब इम्प्योरिटी दो प्रकार की थी, डोपेंट दो प्रकार के थे, तो पर्टिकुलर डोपेंट डालने पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होगा? जैसे हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की प्योर सेमीकंडक्टर में, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। तो जब ट्राइवेलेंट डाली तब वो क्या कहलाएगा, और जब पेंटावेलेंट डालेंगे तब वो क्या कहलाएगा? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को वापस से दो भागों में तोड़ा जा सकता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में जब तोड़ते हैं तो उन दोनों टाइप्स को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हम पढ़ेंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। अभी तक तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन भी किया है, ये कोई नई चीज़ नहीं थी। अब आप देखें, मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को तोड़ना चाह रहा हूँ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पे मैंने लिखा, और इम्प्योरिटी के बेस पे मैंने इसके दो भाग कर दिए। एक को मैंने नाम दिया पी टाइप और एक को नाम दिया मैंने एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सीरियल नंबर। पी टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? कि जब भी किसी प्योर सेमीकंडक्टर में
when we add trivalent impurity atoms to a pure semiconductor atom, कौन कौन से प्योर में, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या जोड़ने चाह रहे हो आप डिफाइन खुद बनाएंगे इसकी, प्लस ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एटम, तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि ट्राइवेलेंट एटम आप जोड़ रहे हैं तो पी टाइप, ऐसा क्यों होगा इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको अभी, लेकिन आपको ध्यान रखना प्योर। अब मैं इसको सिलिकॉन ले लूं जैसे प्योर, तो सिलिकॉन में मुझे क्या जोड़ना है, टेट्रावेलेंट है, और ये मैंने जोड़ा है यहाँ पे बोरोन, या एल्यूमिनियम जोड़ दूँ तो ये ट्राइवेलेंट। मैं इसकी वैलेंस बॉन्ड मॉडल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिलिकॉन का यदि मैं लिखूँ तो 14 है, 1s2, 2s2, 2p6, 6 to 8, 10 हो गए, 3s2, 3p2, तो ये प्लस 4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। यदि मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, यानी ये यहाँ पे प्लस 3। तो अब मैं यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड मॉडल से इसको समझना चाहूँ तो मैं वैलेंस बॉन्ड मॉडल यहाँ बना देता हूँ कि मैंने 10 लाख प्योर सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम के लिए, कितने, 10^6 में एक एल्यूमिनियम, 10^6 किसके हैं, सिलिकन के। मैं यहाँ पे बहुत सारे सिलिकन बना रहा हूँ इस तरीके, ये सिलिकन है, 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 ये सिलिकन, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए थे, मैंने बीच में एक क्या डाल दिया यहाँ पे, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटम क्या करेगा, ये जो सिलिकन के एटम्स थे उसमें से एक सिलिकन के एटम को रिप्लेस करके इनके साथ एड होगा। आपस में ये तो वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी इनके, तो इस तरीके से, इस तरीके से बंधे हुए थे, तो ऊपर भी चलना, तो जोड़ दो इनको। तो ये एल्यूमिनियम का एक एटम सिलिकन के जो क्रिस्टल था, जो वैलेंस बॉन्ड मॉडल था, उसमें ये फिट हो गए हैं। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्यूमिनियम के, उसको मैं मान लेता हूँ डॉट से, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम को मैं बना देता हूँ यहाँ डॉट से, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकन इनको मैं मान लेता हूँ किससे, स्टार की पॉइंट से। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकन के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एल्यूमिनियम के। तो मैंने क्या किया, इस एल्यूमिनियम में देखा तो एक सिलिकन ने क्या किया, ऊपर वाला जो सिलिकन है आपका, इसने अपना एक एटम यहाँ दिया और एक एल्यूमिनियम ने ले दिया। इस वाले सिलिकन ने एक एटम दिया, इस एल्यूमिनियम ने एक इसके साथ देके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक सिलिकन इसने दे दिया, तो ये इसने, इसके पास 3 थे एल्यूमिनियम के, 3 काम हो गए, सिलिकन के पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिलिकन वापस दे देगा। अब लेकिन इसके पास कुछ नहीं बचा, अब जब कुछ नहीं बचा तो एक खाली जगह यहाँ पर जनरेट होगी, इस खाली जगह को हम होल के नाम से जानते हैं, आप जानते हो। तो इस होल में क्या होगा कि जो सिलिकन सिलिकन के जो बॉन्ड है, अब यह सिलिकन सिलिकन के एटम्स ये जुड़े हुए हैं, ये इस तरीके से है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं इनके सिलिकन के। तो इन जो सिलिकन सिलिकन बॉन्ड है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही आएगा ये होल का चला जाएगा, तो होल तो आपका चला जाएगा उधर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इधर। तो ये होल जैसे उधर जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आएगा होल उधर, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल में आते जाएंगे और होल आगे जाता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही होल में आएगा यहाँ खाली जगह बचेगी ना भाई। तो अब इस पूरे लेटिस में, इस पूरे क्रिस्टल में क्या होगा, होल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगेगा, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी वो किसके कारण होगी, वो चार्ज कैरियर आपका होल के कारण होगी। तो यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा होगी, एक एल्यूमिनियम डाला एक होल बना, 10^6 में, 10 लाख में एक एल्यूमिनियम डाला, मैं कह दूँ अगले 10^6 सिलिकन में फिर एक एल्यूमिनियम डाल दो, तो अब कितने होल हो गए, 2। और मैं तो कहूँ बहुत सारे एटम हैं, 10^6 कितना होता है, 10 लाख ही तो है, मैंने बोला आपके पास 10^28 एटम्स है किसके, सिलिकन, 10^28 कितना होगा, कुछ करोड़ों खरबों, बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लो ना, 6 और 28 ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है, 10^6 तो लाख ही है, 10^7 करता हूँ तो 10 लाख का 10 गुना होता है, 1 करोड़ हो जाता है, 10^8 करते 10 करोड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा।
तो 10^20 एटम ऑफ सिलिकॉन में मैं कितने कितने सारे एल्यूमिनियम के इम्प्योर एटम्स ऐड कर सकता हूँ, और इतने ज़्यादा मैं एटम ऐड करूँगा उतने ही ज़्यादा उसमें होल उत्पन्न हो जाएंगे। तो मेरा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ होल ज़्यादा होंगे किसकी तुलना में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तुलना में, क्योंकि मैंने उसमें इम्प्योर एटम ट्राइवेलेंट डाल रखे हैं जिससे मेरे पास होल बन रहे हैं। जितने एटम डालूंगा इम्प्योर के उतने ही होल बनेंगे। तो थर्मली जनरेटर जब ये इम्प्योरिटी एटम हमने नहीं डाला था तब भी थे होल, तो तब भी थे इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि एनर्जी तो हीट टेम्परेचर बढ़ते ही एनर्जी तो उसको मिल रही थी। तो थर्मल जनरेशन या थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑलरेडी थे वहाँ, लेकिन अब इम्प्योरिटी के कारण सिर्फ क्या बढ़े, सिर्फ होल बढ़े। और ये जो थर्मली जनरेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल थे इनकी संख्या बहुत कम होती है, इनकी संख्या कैसी होती है, वेरी लेस। लेकिन हम जो इम्प्योरिटी डालते हैं इसके कारण जो उत्पन्न होल्स है इनकी संख्या इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ होल्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये तो बहुत कम थे, मैंने बोला आपको ये दोनों तो बहुत कम होते हैं, और ये आपने बहुत ज़्यादा डाल दिए एटम डाल डाल के एल्यूमिनियम के, ये बहुत ज़्यादा बन गए। तो मैं कहूँगा ना नंबर डेंसिटी ऑफ होल, कौन से वाले होल, जो अभी आपने एल्यूमिनियम डाल डाल के उत्पन्न किए, वो बहुत ज़्यादा हो गई किससे, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए यहाँ पर चार्ज कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ज़्यादा होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, तो होल की चार्ज मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे कहलाएगा, होल यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कहलाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये वैलेंस बॉन्ड मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, एक होल में दूसरे सिलिकॉन सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये होल उधर, इस तरीके से यहाँ पे होल जनरेट, एक एल्यूमिनियम से एक होल, बहुत सारे एल्यूमिनियम बहुत सारे होल। तो ऐसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से ये जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था ये पी टाइप कहलाता है, और ये किससे बना, हमारे प्योर सेमीकंडक्टर से ही मिलके बना है, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के लैटिस से ही मिलके बना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या बात पता चल गई, एक तो कि एस में हमको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलानी है, एक तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वापस लिख लो कौन कौन सी होती है, एक तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम ईटीसी, इनको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्यों कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैकेंसी यहाँ पर जनरेट हुई होल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आके रह सकता है, तो ये एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, ग्रहण कर सकती है इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए इसको ग्राह्य अशुद्धि भी कहते हैं या फिर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी हम कह सकते हैं। तो एक पॉइंट ही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इसमें चार्ज कैरियर कौन होगा, तो चार्ज कैरियर इसमें होल्स ज़्यादा होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज कैरियर में कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो कौन है, होल है, और माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी होल तो हो गया मेजोरिटी, और माइनॉरिटी में कौन आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, क्योंकि बाकी और किसी तरीके से तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो नहीं सकता है यहाँ पे। तो इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल बहुत ज़्यादा होगी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ओवरऑल आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें चार्ज कैरियर कौन है, होल ही है बड़ा बड़ा मेजोरिटी, इस कारण से इसका नाम पी टाइप रखा, पी का मतलब यहाँ पॉजिटिव है, और होल आपके पता है होल का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कह दिया, या पॉजिटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा, पी का मतलब पॉजिटिव से है क्योंकि इसमें होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और इससे कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर एन टाइप क्या होगा, तो एन टाइप के अंदर यदि हम बात करें तो फिर मुझे ये मिटाना पड़ेगा, और मैं लिखूंगा इसमें देखो ये कुछ बातें मैंने आपको पी टाइप की बता दी, एक पॉइंट और रह गया इसका, वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, पहले एक बार एन टाइप ले आए अपन, उसके बाद हम बात करेंगे उसके। प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन, और अब इसमें क्या जोड़ना है अपन को, पेंटावेलेंट एटम, तो पेंटावेलेंट एटम और कितने में, 10^6 में ओनली वन एटम, ये ध्यान रखना अपन। तो सिलिकॉन में यानी फोर्थ टेट्रावेलेंट में तो इस तरीके, तो पेंटावेलेंट एटम कौन कौन सा हो सकता है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की बात करें तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, तो हमारे को पता है फॉस्फरस आर्सेनिक और एंटीमनी एट्सेट्रा, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी होती है,
तो अब अपन क्या करें कि एक वैलेंस बॉन्ड मॉडल बनाए किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, पता लगाएं कि यहाँ एन क्यों कहते हैं। एन वैसे आपको पता पड़ गया, वो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और इसमें मेजोरिटी चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन आने वाले, क्योंकि इसमें क्या आ गया, होल आ चुका है। तो इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, साथ ही एक चीज़ और ध्यान रख लें, ये पेंटावेलेंट यहाँ पर डोनर इम्प्योरिटी भी कहलाती है। डोनर क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा अभी, इसलिए इसको दाता अशुद्धि भी कहते हैं। डोनर मतलब दाता, दाता अशुद्धि भी कहा जाता है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, प्योर के नाम पे सिलिकन ही ले लेते हैं। सिलिकन की एटॉमिक नंबर 14 तो लिख लो वापस, ये लिखा हुआ ही है वैसे तो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, वापस लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यानी प्लस 4 बच गया। अब पेंटावेलेंट जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस ही ले लो, फॉस्फोरस की 15 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो ये लास्ट में कितना बचा, प्लस 5। 4 और 5 को जोड़ो तो कितना हो रहा है, 9। ऑक्टेट कंप्लीट 8 में ही हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगा। यहाँ पर 7 ही हो रहे थे, इसका मतलब एक कम पड़ रहा था इसलिए एक होल बन रहा था, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल हम यहाँ पे बना के देखते हैं इसका कैसा बनेगा। देखो वैलेंस बॉन्ड मॉडल कैसे बनेगा, तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल यदि हम यहाँ बना के देखें, तो मुझे बहुत सारे सिलिकन लेने हैं और बहुत सारे सिलिकन में एक फॉस्फोरस लेना है। बहुत सारे कितने सिलिकन लेने हैं, 10^6 सिलिकन लेने हैं और एक क्या लेना है मुझे, फॉस्फोरस लेना है। यह चीज़ पता है हमें, इम्प्योरिटी किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, जोड़ दीजिए कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हमें आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच में आके इसने रिप्लेस कर दिया एक सिलिकन एटम को फॉस्फोरस ने, यह आपने ऐड कराया इसको तरीके से। अब फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मैं मान लेता हूँ डॉट्स से, और वही सिलिकन के तो पहले भी स्टार से ही माने थे। तो सिलिकन क्या करेगा, एक स्टार, एक स्टार, एक स्टार, और ये एक स्टार, चार सिलिकन के दिख रहे हैं आपको स्टार की फॉर्म में। अब पेंटावेलेंट का एक एक देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, पाँचवा बच जाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बच गया, किसका, डॉट लगाया मैंने, देखो स्टार नहीं बनाया, डॉट इसलिए लगाया कि फॉस्फोरस का ही इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस जो कि हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री दे रहा है, जिसको हम डोनर फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर क्या करेगा, चारों तरफ घूमेगा, और जब चारों तरफ घूमेगा तो इसके कारण यहाँ पर करंट उत्पन्न होगी। अभी 10^6 में एक फॉस्फोरस डाला तो एक इलेक्ट्रॉन, मैं बहुत सारे डाल दूँ तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी ज़्यादा हो जाएगी, या इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से, डोनर वाले, डोनर जिसको फास्फोरस ने दिया, वो वाले नहीं है थर्मली जनरेटेड। थर्मली जनरेटेड ऑलरेडी यहाँ पर है, जितने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही थर्मली जनरेटेड होल्स भी हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं डाला था उससे पहले तो वही थे, लेकिन अब इसको डालने से इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई, जितने ज़्यादा ये डाले उतने ही ये वाले एक्स्ट्रा हो गए, और उनकी संख्या बहुत कम होती है। मैंने बताया आपको कि Ne और NH जो थर्मली जनरेटेड है ये बहुत लेस होते हैं, बट अब ये जो इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, होल की तुलना बढ़ जाएगी। तो आपका जो पी एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो चार्ज कैरियर कौन होगा, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे प्रोटोन, सॉरी प्रोटोन नहीं, होल होगा। यानी मैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी, किसकी तुलना में, होल की तुलना में, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर ये कहलाता है। तो इस तरीके से आपके सामने ये दो पॉइंट और है इसके अंदर, एक है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल और एक है डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल। वो कहाँ कहाँ बनते हैं उस चीज़ के बारे में हम लास्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ जाएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम देखेंगे आगे का पार्ट। तो मैं वापस मिटा देता हूँ पी टाइप और एन टाइप को, अब दो लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जो भी पॉइंट देना चाहो दे देना आप, तो यहाँ पर एक पॉइंट दे दो आप फोर्थ या फिफ्थ नंबर, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल कहाँ बनेगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल एनर्जी लेवल किसके कारण बनेगा, पहले तो ये समझ लें। तो बेटा देखो दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल में दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड
ये अब क्या चीज़ है, बैंड थ्योरी में मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को। हिंदी में इसको संयोजी बैंड और चालन बैंड कहते हैं, आप इस तरीके से समझ लें, संयोजी बैंड और कंडक्शन, आप इसको याद ही करें फिलहाल क्योंकि ये आपका डायरेक्ट है, इसको चालन बैंड कहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन या होल जो होंगे वो इस बैलेंस बैंड में होते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल भी होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है कि आपने जो इम्प्योरिटी एटम डाला उसके कारण एक होल बना, आपने बहुत सारे डाले तो बहुत सारे होल बने, एक्स्ट्रा बने, तो वो होल इस वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है यहाँ पर, यहाँ तक टॉप, इस वैलेंस बैंड के टॉप पे यहाँ पर जो एनर्जी है वो ईवी है, इस जगह पे बहुत सारे एनर्जी लेवल है यहाँ पर अलग अलग तरीके से, और हर एक एनर्जी लेवल की अलग अलग एनर्जी है, लेकिन सबसे ऊपर वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी ईवी है, और इधर सबसे नीचे कंडक्शन बैंड के सबसे नीचे वाले बैंड की एनर्जी कितनी ईसी, इसी मतलब कंडक्शन बैंड की एनर्जी और ईवी मतलब वैलेंस बैंड की एनर्जी, और इसके अंदर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं ऐसे जिन पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सिचुएटेड रहते हैं अच्छे अपने अपनी पोजीशन पे। इस वैलेंस बैंड की जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर कुछ होल्स का एक लेवल बन जाता है, ये होल्स कौन से हैं, वही एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन्स हैं, इन होल्स के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है एक एनर्जी लेवल यहाँ पे अलग से ही बन गया जिसको हमने नाम दिया ईए, और ईए यहाँ पे क्या कहलाता है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी एनर्जी लेवल कहलाता है। तो हम बात करें कि इससे इसके और इसके बीच में एनर्जी गैप कितना होगा, तो हम यहाँ पे पूछता है एग्जाम में कि ईए कितना होता है यहाँ पे, मतलब एनर्जी के एक्सेप्टर इंप्योरिटी एनर्जी लेवल और ईवी में डिफरेंस कितना होता है, तो ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आगे बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेता तो आपको ध्यान रखना। और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट अबव बनता है, ये आपको ध्यान रखना। डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल कैसे बनेगा, डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल, तो डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल यही वैलेंस बैंड यही कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड ये कंडक्शन बैंड, इसकी एनर्जी ईसी इसकी एनर्जी ईवी। अब डोनर इम्प्योरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनता है, ये वाला तो वैलेंस बैंड के जस्ट अबव और ये कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो मैंने यहाँ पर होल्स बनाए थे, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल है। भाई डोनर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेप्टर कौन है, होल्स है, तो होल्स के कारण जो एनर्जी लेवल बना उसको बोला हमने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल, और डोनर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके कारण जो एनर्जी लेवल बना उसको हमने बोला डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल। ऐसे कोई ऐसे एनर्जी लेवल होते नहीं, ये तो बन जाते हैं, बाकी इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी अनदर एनर्जी लेवल नहीं होता है, जितने भी लेवल होते हैं इसके अंदर होते हैं ऐसे, और सबसे टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल ये है, उसके बाद जितने भी होते हैं कंडक्शन बैंड में होता है, और सबसे लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल ये इसी है, बट ये अलग टाइप का है, ये डोनर आयन्स के कारण डोनर इम्प्योरिटी एटम्स के कारण जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स बने वहाँ पे उनके कारण ये एक वर्चुअली यहाँ पर जनरेट हो गया जिसको हमने नाम दिया ईडी। तो जो आपका डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल ईडी है ये यहाँ पर जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड बनता है, आपको ध्यान रखना। और इसकी भी जो एनर्जी गैप होगा यानी ईसी माइनस ईडी की बात करूँ, ईसी माइनस ईडी मैं यहाँ पर भी कर सकता था, ईए माइनस ईवी, यानी मैं बात करूँ कि ईए माइनस ईवी कितना होगा यानी ये गैप कितना होगा, तो ये इतना होता है। इसी प्रकार ईसी माइनस ईडी भी लगभग लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यहाँ पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों बैंड कहाँ बनते हैं अलग से, एनर्जी लेवल कहाँ बनते हैं आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए फॉर्मूला है वो आपको याद करना है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में न्यूमेरिकल फॉर्मूला है न्यूमेरिकल करने के लिए। जिस प्रकार आपने देखा था सिंपल इंट्रिंसिक में तो क्या था, Ni बराबर था Ne बराबर NH, यानी दोनों तीनों बराबर थी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल बराबर थी, और इन्हीं होल इलेक्ट्रॉन को हमने नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कहा था। बट यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये इक्वल नहीं होती, आप देख ही रहे पी टाइप में एनएच ज़्यादा होता है एनई से और एन टाइप में एनई ज़्यादा होता है एनएच से, तो इसमें एक फॉर्मूला बनेगा फॉर किसके लिए, ये एक्सट्रिंसिक के लिए, फॉर एक्सट्रिंसिक, इससे हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये फॉर्मूला आप याद करना कि एनी और ये एन और ये होल में नीचे, तो एनी इंटू एन एच बराबर क्या होता है, एन आई का स्क्वायर होता है, ये याद रखना।
इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, आए हुए हैं सीबीएसई में क्वेश्चन, तो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, आते ही इससे क्वेश्चन करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी होल और नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का रिलेशन इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी से, जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है उसकी नंबर डेंसिटी से क्या रिलेशन हो सकता है, वो आपको इससे याद करना है, इससे हम क्वेश्चन भी करेंगे। यह था आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड्स, और एनर्जी बैंड्स के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सॉलिड मटेरियल्स में, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में, और फिर हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।